हेलो दोस्तों, जीरो लैब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरी एक क्री एलईडी की टॉर्च थी जिसका सर्किट जो है वो खराब हो गया था, तो मैंने ये अमेजोन से जो क्री एलईडी के ड्राइवर सर्किट हैं इनको परचेस किया है। और ये मैंने 10 पीस परचेस किए हैं, जिसमें से कि मैं अभी एक पीस अपनी टॉर्च में लगाऊंगा। मेरी टॉर्च जो है काफी पुरानी है, टॉर्च उसकी कीमत अबाउट 1600 रुपीज थी। तो उसका जो सर्किट था वो डैमेज हो गया था, जिसकी वजह से मैंने ये जो ड्राइवर है ये ड्राइवर परचेस किए हैं। तो मैंने कई ड्राइवर एक साथ परचेस कर लिए हैं, ये 1400 रुपए के समथिंग हैं सारे ड्राइवर, 10 पीस हैं ये ड्राइवर के। तो एक मेरा उस टॉर्च में मुझे लगाना है। तो ये जो ड्राइवर सर्किट होते हैं ये स्पेशली क्री एलईडी के लिए होते हैं, 3 वाट की क्री एलईडी जो है उसमें ये ड्राइवर यूज होता है। तो इसमें इंडक्टर वगैरह है सारा कुछ, तो जो भी हमारी क्री एलईडी को वोल्टेज और एम्पियर चाहिए होता है वो ये प्रोवाइड करता है। तो इसको मैं अपनी टॉर्च में जो ड्राइवर था उसकी जगह पे ये ड्राइवर रिप्लेस करूंगा, और इसके बाद मैं उस टॉर्च को आपको दिखाता हूँ कि वो किस तरीके से काम करेगी। बहुत अच्छी टॉर्च है, मेरी फेवरेट टॉर्च थी वो पहले, लेकिन वो डैमेज हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे ये ड्राइवर जो है क्री एलईडी के ड्राइवर मुझे ऑनलाइन परचेस करने पड़े। तो मैंने ये अमेजोन से परचेस किए हैं और इनको मैं लगा के और आपको सारा कुछ दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से मेरी उस टॉर्च की ब्राइटनेस है। काफी अच्छी ब्राइटनेस है और काफी अच्छा काम करती है वो, और बहुत अच्छी टॉर्च थी। तो वो खराब हो जाने की वजह से मैंने सोचा कि मैं उसमें ड्राइवर जो है ये इंस्टॉल कर दूंगा। मैंने सारा कुछ इसका निकाल दिया है, मैं अब इस ड्राइवर सर्किट को डायरेक्टली एलईडी से कनेक्ट करके और थोड़ा सा जुगाड़ करके सारा कुछ इसमें लगाने वाला हूं। तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से मैंने लगाया है। यहाँ पे मैंने जो ड्राइवर है वो एलईडी से डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया है, और ड्राइवर का जो निगेटिव पॉइंट है वो टॉर्च की बॉडी के साथ कनेक्ट कर दिया। बॉडी जो है वो निगेटिव है और ये क्री एलईडी है, और पॉजिटिव जो है ये बैक साइड में। यहाँ पे मैंने एक इंडक्टर था उसको लगा दिया है ऐसे ही कि एडजस्टमेंट हो पाए, तो जुगाड़ किया है सारा कुछ। और इसका जो पॉजिटिव है ये पॉजिटिव वायर मैंने यहाँ पे एक स्प्रिंग लगाई है स्प्रिंग के थ्रू, और बाहर का निगेटिव जो है वो मैंने बॉडी के साथ कॉन्टेक्ट कर दिया उसका। तो इस तरीके से ये स्प्रिंग मैंने लगा दी है। अब इसका जो रिफ्लेक्टर है ये इस तरीके से, इसमें जो फोकस है एडजस्टेबल है, हम कम ज्यादा फोकस कर सकते हैं और अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। मैंने सारा कुछ इसको फिट कर दिया है, और इसके बाद इस तरह का इसमें ये लिथियम आयन सेल डलता है जो कि मैंने इसमें डाला हुआ है। पहले इसमें 1.2 वोल्ट की 2 बैटरीज एक साथ कंबाइंड थी, उसकी जगह पे मैंने लिथियम आयन की बैटरी रिप्लेस की है। और इस तरीके से आप देखेंगे कि इसको मैंने जो टॉर्च है प्रॉपरली इसको बना लिया है, ठीक कर लिया है। और ये मेरी बहुत ही अच्छी टॉर्च थी और इसकी ब्राइटनेस मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत दूर तक ये रेंज कवर करती है और काफी अच्छी टॉर्च है। रिचार्ज करने के बाद अबाउट 1 घंटे के करीब ये चल जाती है। इसमें जो बैटरी है उसको 1 घंटे हम यूज कर सकते हैं। तो ये जो ड्राइवर हैं इन ड्राइवर्स को मैं आगे दूसरे प्रोजेक्ट्स में यूज करने वाला हूँ। इसमें से मैं एक ड्राइवर किसी एक अपने सब्सक्राइबर को सेंड करूंगा पोस्ट के द्वारा, रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा मैं उसको सेंड करूंगा। और आप कमेंट करिए अगर इस तरह की आपके पास टॉर्च है और वो अगर खराब पड़ी हुई है, तो मैं इस तरह का जो ड्राइवर है ये मैं एक ड्राइवर किसी भी अपने एक सब्सक्राइबर को देने वाला हूं। आपको कमेंट करना है नीचे कि आपके पास इस तरह की टॉर्च है और उसमें क्या कमी है। ये मिस्टर लाइट की टॉर्च थी मेरी, जिसका ये ड्राइवर मैंने परचेस किया है ऑनलाइन। और अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां पे 10 ड्राइवर आपको एक साथ मिलेंगे। तो चलिए इसको टेस्ट कर लेते हैं। बिल्कुल अंधेरी रात है और आप देखेंगे कि इसका जो फोकस है हम सेट कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल इसका फोकस जो है पॉइंट कर रखा है, और काफी अच्छी रेंज कवर करती है ये टॉर्च जो है। और ये मेरी फेवरेट टॉर्च थी पहले, और ये डेड पड़ी थी, खराब हो गई थी, इसका ड्राइवर सर्किट खराब हो गया था। आप देखेंगे इसकी ब्राइटनेस हम एडजस्ट कर सकते हैं, इसका फोकस काफी दूर तक रेंज कवर करता है और सारा कुछ साफ दिखाई देता है। हालांकि कैमरे में उतना अच्छा नहीं आता है, लेकिन ये क्योंकि जो क्री एलईडी Q5 आती है वो इसमें लगी हुई है, और ये टॉर्च काफी अच्छी है। और उस समय पे ये लेटेस्ट टॉर्च थी, उस समय क्री एलईडी Q5 जो थी वो ही उस समय चल रही थी, और ये उस समय 1600 रुपए के करीब मिली थी, और करीबन 5 से 6 साल पुरानी ये टॉर्च है और काफी अच्छा काम करती है। काफी अच्छा इससे नाइट में विजन होता है, काफी अच्छा दिखाई देता है। और इस तरह की टॉर्च जो है अगर आपके पास है तो आप नीचे कमेंट जरूर करिए और मुझे बताइए कि आपके पास भी इस तरह की टॉर्च है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की टॉर्च जो है उसको मैंने रिपेयर कर लिया, तो मैं बहुत खुश हूँ और मेरी टॉर्च जो है रिपेयर हो गई है। अगर आपकी भी इस तरह की टॉर्च है तो आप भी उसको रिपेयर कर सकते हैं। और आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।